हरे कृष्णा, हमारे पुराणों के पन्ने के एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रृंखला 24 तत्वों की श्रृंखला में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पांच ज्ञान इंद्रियों के जो विषय होते हैं। हमने चर्चा करी है कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान इंद्रियों के कुछ विषय होते हैं। जैसे कि हमने चर्चा करी थी ज्ञान इंद्रियों में कि हमारे नाक, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों के भी कुछ विषय होते हैं, वो भी 24 तत्वों में से पांच तत्व होते हैं। कौन से हैं वो? जैसे अगर हम बात करें हमारी नाक की, तो इस प्रकार से नाक जो ज्ञान इंद्रिय है उसका विषय है गंध, यानी कि जो एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो सुगंध आती है, ये उसका विषय है। वो सूंघ करके बताना होता है कि कैसी सुगंध है, अच्छी है, बुरी है, तो ये गंध जो है वो उसका विषय बन जाता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं जिह्वा जो है, ये जिह्वा का एक विषय है स्वाद, यानी कि स्वाद यानी टेस्ट जो है, ये जिह्वा का एक विषय है। विषय यानी उसी से वो बताती है, स्वाद होगा तो एक्सेप्ट कर लेगी, स्वादहीन होगा तो रिजेक्ट कर देगी कि ये प्रॉपर नहीं है, ये खाने योग्य नहीं है। तो इससे हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, नॉलेज मिल जाती है ज्ञान इंद्रियों से। तो ज्ञान इंद्रियों को नॉलेज कैसे मिलती है? बाय दी नॉलेज ऑब्जेक्ट्स, जो उसके टॉपिक है, जो विषय है उसका। तो इसी प्रकार से आंखों का विषय है रूप। आंख हमेशा सुंदर रूप देखना चाहती है, इसीलिए भगवान को देख करके लोग बड़े प्रसन्न होते हैं मंदिर जाकर, क्योंकि आंख का विषय है रूप। लेकिन जब वो कुरूपता को देखती है तो रिजेक्ट कर देती है, और सुंदर स्वरूप को देखती है तो एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ तक कि जो छोटा सा बच्चा हो उसको भी ना पता हो कि रूप क्या है, कुरूप क्या है, स्वरूप क्या है, लेकिन फिर भी वो एक सुंदर स्वरूप के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ये तत्व है, इसका विषय है ज्ञान इंद्रिय का रूप। और बताते हैं कि जो स्किन है इसका, इसका एक विषय है स्पर्श। स्पर्श करके बताती है ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है। और इसी इंद्रिय का इस्तेमाल ठाकुर जी की सेवा में लोग करते हैं, भगवान के नाम के जप की माला, तुलसी माला या लकड़ी की माला, नीम के लकड़ी की माला से प्रारंभिक अवस्था में जप करते हैं। इसी से भक्तों को प्रणाम करते हैं, मंदिर के प्रांगण की सफाई करते हैं, अपने घर का जो मंदिर हो उसकी सफाई करनी चाहिए, गुंडीचा मार्जन आदि करते हैं। विषय और कान का विषय है ध्वनि, यानी कि जो साउंड वाइब्रेशन है, अगर वो अच्छी होंगी तो तुरंत हमें कैप्चर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कोई बात जो मुझे अच्छी लगे वो तुरंत मेरे कान को उसकी ओर ले आती है, लेकिन संसार में क्या है, लोग बुराई सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। भगवान की कथा सुनाओ तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो कोई बुराई कर रहा हो दूसरे कमरे में भी तो कान वहां चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से लोग अपने कान पूरे के पूरे दे देते हैं और उधर अपनी बात सुनते हैं, अच्छा मेरे बारे में बात चल रही थी ना, तुरंत, क्योंकि कान का विषय है ध्वनि, ध्वनि साउंड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, अगर हम इन्हें भगवान की सेवा में लगाएं तो ये पूर्ण रूपेण शुद्ध हो सकती है, ज्ञान इंद्रियां भी और ज्ञान के विषय भी। जैसे हमारी जो सूंघने की शक्ति है, इसको ठाकुर जी के पुष्प, उनका प्रसाद, उनके उनकी इत्र आदि को सूंघने में हमें लगाना चाहिए। तुलसी पत्र मिले उसको सूंघ सकते हैं, इससे हमारी घ्रण इंद्रियां, सूंघने की जो गंध विषय है, ये शुद्ध हो जाता है। और जैसे हमारा जीवा है, इससे हम स्वाद देखते हैं, तो भगवान का प्रसाद जब हम खाएंगे, है ना, भगवान का उच्चिष्ट, भगवान को भोग लगा के, तो जो ये स्वाद विषय है ये भी शुद्ध हो जाएगा। जो हमारे कान है, जब इसमें भगवान की कथा प्रवेश करेगी, भगवान का मंत्र प्रवेश करेगा, भक्तों की वाणी प्रवेश करेगी, तो ये शुद्ध हो जाएगा विषय। जब हम देखते हैं कि स्पर्श है, इससे हम भक्तों को अलिंगन करें, माला जप करें, तो स्पर्श शुद्ध हो जाएगा। और जब हम रूप की बात करते हैं, तो रूप विषय से जब ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन करें, सुंदर सुंदर वैष्णव भक्तों का दर्शन करें, सुंदर लीला स्थलियों का दर्शन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो ये जो आंख का विषय है ये भी शुद्ध हो जाता है। तो हम देखते हैं ये पांच जो विषय है ज्ञान इंद्रियों के, ये पूर्ण शुद्ध होते हैं ठाकुर जी की सेवा करने से। तो इस श्रृंखला में आगे हम पढ़ेंगे पंचभूत किसे कहा जाता है, महाभूत ऐसे कहा गया है। ये 24 तत्वों में पंच महाभूत क्या होते हैं। हरे कृष्णा।